नमस्कार, मेरा नाम मनदीप है और आप देख रहे हैं मधेपुरा संचार। मधेपुरा विधानसभा क्षेत्र मुरलीगंज थाना अंतर्गत चामगढ़ चौक पर मैं मौजूद हूं और आप पीछे देख रहे हैं जनता यहां पर काफी आक्रोशित है अपने क्षेत्रीय विधायक पर। आखिर क्यों? क्योंकि यहां पर इसके क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। इसी मुद्दे को लेकर हम यहां पर बात करने आए हैं क्योंकि यहां पर रोड को जाम करके आगजनी किया गया है और आप उधर पीछे देख सकते हैं कि प्रशासन भी पहुंचे हुए हैं और प्रशासन की बात में कहूं तो प्रशासन यहां पर पहुंचे हैं। इसके बाद यहां पर लोग मुर्दाबाद का ही नारा सिर्फ लगाया जा रहा है। आखिर मामला क्या है, क्यों लोग इतने आक्रोशित है यहाँ के जनता से? सबसे पहले तो सर आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहन ओम है। और यहाँ पर आप लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या? मैं आपको सिर्फ मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूँ। मैं इस दुकानदार भाइयों का दर्द नहीं सहा गया, इसलिए मैं रोड पर आया, क्योंकि मैं दुकानदार नहीं हूँ, इस दुकानदार भाइयों का सहयोगी हूँ, उनका सहभागी हूँ। मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, इन लोगों का दर्द, ये लोग 50 रुपया नहीं कमा पा रहे हैं दिन भर में इस रोड के कारण, क्योंकि आदमी की आवाजाही बंद हो चुकी है। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करना चाहता हूँ इस सरकार से, भ्रष्ट सरकार से, कि भैया मेरे रोड नहीं, जो पहले था, पहले सोलिंग था, कच्ची रोड था, वो अच्छा था। आपने जो ये किया, ये अभी कोई पेशेंट मरने वाला हो तो मर जाएगा, उसका कोई विकल्प नहीं, कोई उठा के उसको हॉस्पिटल में जाने वाला नहीं होगा। आपका कहना है कि अगर यहाँ पर कोई किसी परिस्थिति में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया या फिर कोई कोई विकल्प नहीं, कहे तो उसको उठा के कोई ले जाने वाला नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ, रोड का ये स्थिति है कि कोई महिला अगर चढ़ के आए मोटरसाइकिल पे तो वो गिरती है और उसके बाद कोई उठाने वाला नहीं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। क्या यही बिहार का सरकार है या यही नीतीश कुमार का सुशासन है? जैसे कि सुशासन बाबू का कहना है कि हम तो सात निश्चय का भी काम किए, लेकिन वो भी ध्वस्त होते जा रहा है। ये सात निश्चय सिर्फ छलावा है, सात निश्चय नीतीश कुमार का सिर्फ छलावा है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये यहाँ की जनता आवाम बोल रही है। नीतीश कुमार मुर्दाबाद क्यों बोल रही है? क्या अच्छा काम किया एक भी व्यक्ति बोलता है नीतीश कुमार जिंदाबाद, क्यों नहीं बोला जा रहा है नीतीश कुमार जिंदाबाद? 15 सालों के सत्ता में नीतीश कुमार जी ने अभी तक कोई विकास नहीं किया आपके नजर में? हमारे गांव, हमारे कस्बे में तो कुछ भी विकास नहीं हुआ है। यानी आपका कहना यह है कि हमारे गांव शहर में हमारे विधानसभा जी, हमको तो सिर्फ अपने गाँव और कस्बे से मतलब है, हमको तो डिस्ट्रिक्ट और हेडक्वार्टर से मतलब नहीं है। और जहाँ तक हेडक्वार्टर की बात है, मधेपुरा कम से कम मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट चरमराया हुआ रोड के मामले में, और मैं इसका दोष सिर्फ नीतीश कुमार पर देता हूँ, इस भ्रष्ट सरकार पर देता हूँ और इस झूठी सुशासन पर देता हूँ। आप अपने क्षेत्र, आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं और आपके जो सांसद साहब हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कितने विकास उन्होंने किए? अरे भैया, जब मैं सरकार की बात कर रहा हूँ तो आप विधायक और सांसद की बात कर रहे हैं। विधायक आपके मुख्यमंत्री साहब है, वो विधानसभा में बैठे हैं आपकी, लेकिन मैं आपके क्षेत्र के जो विकास कार्य हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ। स्थानीय सांसद की जहाँ तक बात है, स्थानीय सांसद जीत के गए हैं, फिर लौट के मुंह मोड़ के इधर फिर एक झांकने नहीं देखे हैं। और जहाँ तक स्थानीय विधायक का बात है, स्थानीय विधायक का घोर विरोध हम करते हैं, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जब उनको लगा कि हम नहीं गए हैं तो पिछला विधानसभा में आना शुरू किए, और जब चरमरा गया सिस्टम तो अब मुंह मोड़ के बैठे हुए हैं। हो सकता है इनको अगर टिकट मिलेगा विधायक जी को तो वो यहाँ से मुंह मोड़ के अपने घर जाएंगे, उनको यहाँ से वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि रोड नहीं तो वोट नहीं।